अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। मेरी नाना नहीं है, नंदे है दोनों। हाय, गुड मॉर्निंग। पौनु गुड मॉर्निंग। ये चला तो मुझे हम भारी हो यूट्यूब रे जड़ भाई यूट्यूब रे इतनी कर दी तो अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। हम दोनों जाएंगे, मेरे हस्बैंड और मैं। मेरे एक बहन के यहाँ जा रहे, दो बहन है, उनको निमंत्रण कार्ड देने जा रहे हैं। मैं नहीं जाने वाली थी लेकिन मेरी जो छोटी बहन है वो बार बार बोल रही दीदी तुझे आना है, तो इसलिए मैं रेडी होके जा रही हूँ। सोनी को उसकी छोटी मौसी के मेरे मैके के यहाँ छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि ठंड में नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि बीमार पड़ जाएगी फिर, तो सोनी को छोड़ के ही जाऊँगी। अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। अभी जो निमंत्रण में कार्ड जाएगा और सुपारी है ना, वो मेरे हस्बैंड तैयार करेंगे, मैं आप लोगों से वो शेयर कर रही हूँ। अभी यहाँ पर गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं और मेरी ननंद जी बोल रहे हैं कैसे क्या जाओगे, मिठाई कहाँ से लोगे, क्या करोगे, वो भी बता रही थी। तो अभी देखिए हम लोग निकल चुके हैं घर से और अभी सुबह का टाइम 10:30 करीब टाइम हो रहा था, यहाँ से हम निकल चुके हैं घर पर। हम पहले मेरी छोटी बहन जिसके घर में गई थी उसके घर में पहले पहुँच जाते हैं। अभी देखिए मैं छोटी बहन के घर आ गई हूँ, जिसके घर आई थी। खाना बना रही है यहाँ पर। देखिए मेरी छोटी बहन कैसे शक्ल बना रही है, क्योंकि वो तैयार अच्छे से नहीं थी तो बोली मेरी वीडियो क्यों बना रही हूँ, मेरे बाल बुल सब बिखरा हुआ है, लेकिन मैंने बना दी। अभी देखिए गाइस कैसे हम निमंत्रण कार्ड कैसे हमारे रिश्तेदारी के यहाँ देते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए निर्माल्या है, वो एक छोटे से पेपर में निर्माल्या थोड़ा सा दिया है और 10-10 सुपारी जाता है। और यहाँ पर देखिए सुपारी 10 निकल चुके हैं थाली में, और ये के मतलब जो जनेऊ का धागा होता है वो दिया हुआ है। और यहाँ पर कार्ड देते हैं और ऐसे सजा के और मिठाई, इसके साथ हम निमंत्रण करते हैं। निमंत्रण यहाँ पर हो गया है हमारे, मेरी छोटी बहन को निमंत्रण कर रहे, तो उसकी सासू माँ थी तो उन्होंने निमंत्रण ग्रहण किया। तो मैं आप लोगों से वही शेयर कर रही हूँ कि हमारा निमंत्रण कैसे जाता है, शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, मतलब निमंत्रण हमारा शादी और जनेऊ का होता है हमारे ब्राह्मण में, तो निमंत्रण हम ऐसे करते हैं। कहीं नहीं घर सिद्रो लगे अभी देखिए मेरी मम्मी यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग सोच रहे होंगे, ये मेरी मम्मी थी और ये तो मेरी सिस्टर बहन की सासू माँ थी। और मेरी मम्मी यहाँ पर आई हुई थी, कुछ भगवत का कुछ पाठ था तो वो इसलिए आई हुई थी। तो मम्मी को मैं बोल रही थी बिंदी क्यों नहीं लगाई, तो मेरी मम्मी अभी देखिए बिंदी लगा के आ जाएगी सामने। तो यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी बिंदी लगा के आ गई है और खाली माथा करके घूम रही थी, तो यहाँ पर मेरी छोटी बहन ने बिंदी लगा दी तो मैं इसकी थोड़ी वीडियो बना ली। अभी मैं यहाँ से मेरी छोटी वाली बहन के घर में जाके पहुँच जाती हूँ। अभी मैं अभी दूसरी बहन के घर में पहुँच गई हूँ, ये 4th नंबर पे आती है उसकी लड़की बहन से जिन्नू है। हाय बोल दो जिन्नू, हाय बोल दो, हाय हाय बोल। उसकी अभी घर देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है,
चल रहा है घर का काम और हम इधर बैठे भी इसका घर गांव, इसका घर जो है ना गांव का माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है गांव का माहौल। ये इपड़े को पोखरी रे गे बाड़ी बगीचा भलो बे गां रे ना ना खोला फोला अच्छे भलो ना पानी दे रे पीने के लिए मु पानी भी खेले मोर भी बहुत दिखे तो। तो गाइस ये मेरी फोर्थ नंबर की बहन है, छोटी बहन, और सबसे बड़ी मैं हूँ। हम पांच बहनें हैं और तीन बहनें शादी कर लिया है और मैं भी शादी कर चुकी हूँ। एक छोटी वाली बहन घर पे है और ये फोर्थ नंबर पे आती है तो उसके घर में देखिए आई थी। और सेकंड नंबर बहन को मैंने सुपारी दे दी है, मेरी मायके में थी तो उसको वहाँ पर दे चुकी हूँ। और यहाँ पर देखिए ये उसका, देखिए ये गाँव का माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये परिवेश मैं दिखाऊँगी बाद में। तो अभी देखिए निमंत्रण की थाली सजा लिया है मेरे हस्बैंड जी ने, तो यहाँ पर ज्योति को दे देंगे। और ये जो बहन है उसकी नाम है ज्योति, और जिसके घर में गई थी उसका नाम थी सानू, और मेरे नीचे जो थी वो रानू। मेरी नाम मुझे बुलाते हैं मानू, हमारा ऐसे नाम है। आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर बताना। और सबसे छोटी वाली जो है उसको तो नाम क्या बताए, उसके नाम है प्रीति, ऐसे नाम है सब। और यहाँ पर ज्योति हमारे लिए खाना बनाने की तैयारी कर चुकी थी और इसने ज़बरदस्ती की, तो इसके घर में खाना बना खा के हम निकले। इसके घर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा और जो सानू के घर में गई थी ज़्यादा टाइम नहीं दी, उधर हम घुसे तो निकले। और यहाँ से हमको दूसरे जगह भी जाना था और यहाँ पर देखिए इसको निमंत्रण दे रहे, तो मैंने वीडियो बना ली है। और इस जो बहनें ज्योति, इसकी सासू माँ और ससुर जी अभी नहीं रहे इस दुनिया में, तो यही सब कुछ देखिए। तो इसके हाथ में मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर दे, अभी हम लोगों ने खाना खाना खा लिया लेकिन मैंने शूट नहीं कर पाई। गोभी आलू की सब्जी बनाई थी, चावल बनाई थी और साग भाजी अभी बना रही हूँ। उसकी जो मेरे हस्बैंड वो उसकी जीजा जी बोल रहे साग भाजी खाना है तुम्हारा, क्या गार्डन का ना बाड़ी, तो हाँ बाड़ी बोलते ना, तो उसका साग भाजी देखिए अभी बना रही है। ये देखिए छाड़ दे पानी मर जाओ पूरा, साग भाजी खाएंगे मेरे हस्बैंड, उनको फेवरेट है पता है आप लोगों को। और यहाँ पर ये मेरे साथ खाना खा ली जीनू ने ना, खाली दाल चावल खाई जीनू, सब्जी नहीं खाई। हाय बोल दे, हाय बोल दे। ये मेरी जो लड़की सोनी है ना उससे 3 महीने छोटी है पूरा, अरे सोनी 3 महीना बड़ी है। देखिए फेस मिल जाती है, दोनों बहनें हैं ना इसलिए। और ये मेरी बहन है देखो मेरे साथ मिलती है। हाय हाय और उनका बाहर दिखा दूंगी पीछे का साइड। अभी जायेंगे हम साग भाजी बनाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। हम ना दो, हम दोनों बहने एक जैसे है, थोड़ा एक जैसे दिखते हैं देखो। साग भाजी बन गई है, हाँ साग भाजी देखे ना टी टी। ये देखिए ये मेरी बहन की सासू माँ है, ये उनकी ससुर जी है, उनके मम्मी पापा अभी इस दुनिया में नहीं है, पहले पापा चले गए थे, अभी जस्ट मतलब कितना साल, अभी जस्ट सासू माँ गई है, गुजर गई है। जब जो जिन्नू जब छोटी थी 6 महीने की थी तब भी गुजर गई। और ये उनकी सासू माँ, ये उनके पूजा मंदिर है, दिखा देती हूँ देखिए, श्री जगन्नाथ जी है। अभी देखिए हम लोग उनकी गार्डन वगैरह घूमने के लिए निकल गए हैं, खेती बाड़ी थोड़ा उनका जो है वो भी दिखा रही है। और यहाँ पर देखिए उनकी खड़ा है धान की, जो यहाँ पर धान वगैरह रखते हैं निकल के, वो उसको हम लोग खड़ा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मैं नहीं बोल बता पा रही हूँ। और ये है देखिए,
हल्दी का अच्छा सा वो पड़ेगा, हल्दी पड़ेगी, हल्दी पड़ेगा, हल्दी पड़ेगा, हल्दी को सीज़े ही बा हैले सीज़े की बड़ा हंडा रे ताको बाहर करे खराब सूखे बा तापरे कुटे के आनेगा हैले पर देखिए ज्योति कुछ दिखा रही है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए सामने हुंका जो नाग और नागिन है ना, वो दोनों यहाँ पर रहते हैं, जिसको पूजा करती है ज्योति हमेशा डेली। और यहाँ पर नीम की पेड़ है और एक बेल की पेड़ है, तो दोनों तीनों एक साथ है। तो यहाँ पर ये जो नाग और नागिन जो नाग देवता है ना, उनकी पूजा होती है यहाँ पर, वो दिखा रही थी। यहाँ पर उनके पास है यही पाइप पानी पूरी घर। और देखिए पूरा गार्डन उनके घुमा लिया पीछे के एरिया। और यहाँ पर इसकी कुआ है, यहाँ पर मोटर लगा के पानी वो लेके अपने वॉशरूम वगैरह भर के रखती है, बर्तन बुर्तन भी साफ करती है यहाँ से, मतलब रस्सी से नहीं निकालती है, मोटर लगा लेती है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे फूल पौधे रखे थे, धान, ये सब दिखा रही थी मैं आप लोगों को, थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ का परिवेश, पूरा शांत एरिया परिवेश था, ना गाड़ी मोटर का शोर शराबा ना कुछ था, बहुत ही शांत लग रहा था परिवेश। और यहाँ पर देखिए मेरी बहन ने यहाँ पर साग, धनिया पत्ता, मिर्ची सब कुछ लगाई हुई है। तो अभी देखिए गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे मौसी सास के घर, मेरे हस्बैंड जी के मौसी के घर, मतलब जिनको बोलते हैं मेरे सासू माँ के बड़ी बहन, उनके घर में जाएंगे, सुपारी देंगे। और एक मौसी सास के घर जाएंगे, वहाँ से हम निमंत्रण कार्ड दे के सुपारी दे के वहाँ से हम डायरेक्ट घर निकल जाएंगे। और मेरी छोटी बहन का घर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। শাশুর শাশু দি লড়াই যাবে ছাড়িয়া বানাইছে তো না কর দিও কইল तो ये है गाइस इनकी मौसी माँ और ये मेरी मौसी सास है। तो यहाँ पर इनको भी हमने निमंत्रण दे चुके हैं और यहाँ पर 10-15 मिनट बैठ के बातचीत करके फिर हम घर के लिए निकल गए थे। और गाइस सॉरी आप लोगों को एक बार बोलना चाहती हूँ, थोड़ी सी ब्लॉग आने में लेट हो जाती है क्योंकि मुझे एडिटिंग करने में थोड़ा मतलब टाइम नहीं मिलती है। अभी घर में काम का माहौल है, जनेऊ डालना है, बापी का प्रोग्राम आगे है, तो मेहमान वगैरह आते रहते हैं, हम उसमें बिजी हो जाते हैं। और भी बहुत सारे निमंत्रण कार्ड
भिजवाना है तो इसलिए थोड़ी बहुत लेट हो जाती है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। और मेरी ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मिल कर दीजिए। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक बाय बाय। और अपना ध्यान जरूर रखना।